जयंत 3:32 पे जम्मू से कश्मीर की तरफ कॉन्वॉय निकला सीआरपीएफ का, 2500 जवानों का कॉन्वॉय, जो कि जनरली होता नहीं, 1000 कॉन्वॉय में होते। सबसे मेन क्या है ना, बहुत गुस्से में हूं लेकिन इतना कंट्रोल करके कोशिश ही कर रहा हूं। अगर मेरे सामने संविधान का, मैं हमेशा से कहता हूं कि संविधान का सम्मान करना चाहिए, कानून का करना चाहिए, लेकिन आज वो अंदर से वो फील है ना, इन जैसे हरामी गद्दार आ जाए ना, बीच में हाथ रख के फाड़ दूं सालों को, अभी वो फीलिंग है। लेकिन द कंसर्न इज सिर्फ गुस्सा, गाली है बहुत, लेकिन बात करना है ना। और बात क्या है, सबसे पहले क्या हुआ ये समझ लो, जितने त्योहार मना रहे थे ना, वैलेंटाइन डे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मनाना चाहिए, आपका पर्सनल वो व्यू है, बहुत अच्छी बात है, आपको खुशी मिलती करिए, ये वतन से बड़ा वैलेंटाइन कोई नहीं है बे। आज क्या हुआ है, आज वो 40 वहां पर शहीद हुए, क्या है इंसिडेंट समझो, पहले इंसिडेंट की बात करना पड़ेगी, उसके बाद बात करना पड़ेगी क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है कि हुआ क्यों, क्यों हुआ, खामियां हर चीज पे बात कर, जब तक सवाल नहीं उठेंगे उसका जवाब नहीं आएगा। तीसरा, हमारी तरफ से क्या होना चाहिए, जो मुझे लगता है एक सामान्य भारतीय के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, ब्लडी व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इमीडिएटली। पहला, आज क्या हुआ इंसिडेंट, वहां से जम्मू की तरफ से जो कश्मीर आ रहे हैं, और किसके लिए आ रहे हैं पता है ना, इन्हीं सालों की सुरक्षा के लिए, मतलब मैं कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा, कितना समझाएंगे वे, और 50 बार तो मैं वीडियो कर चुका हूं बोल के मत बहको मत बहको। अब बात यह है कि वहां से आ रहे हैं 2500 से ज्यादा, 78 गाड़ियां चल के आ रही हैं सीआरपीएफ की। कंसर्न क्या है, अवंतीपुरा के पास कैसे पहुंचा, एक तो सबसे बड़ी चीज है, 3 दिन से 3.5 दिन हो गए कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इसलिए 2500 लोग इकट्ठे आ रहे, जनरली 1000 लोगों का कॉन्वॉय होता है। वो जब अवंतीपुरा पहुंचता है, जो कि सेक्टर है पुलवामा में, जो यहां पर पड़ता है कॉर्नर पर, वहां पर आकर एक स्कॉर्पियो की बात करें, जो अभी तक जितनी मेरी बात हुई जिन लोगों से वहां पर है, जो या उनसे कंसर्न जो लोग हैं उनसे बात हुई है, सीधे अवंतीपुरा में आके वो एक स्कॉर्पियो 350 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव और आईडी का दोनों का उपयोग करते हुए बाढ़ से मारती है, चीथड़े उड़ जाते हैं और उस वाली गाड़ी के जाते हैं जहां पर उसी समय ऑन द स्पॉट चीथड़े उड़ गए। ये बात ये है, कंसर्न ये है, यहां पर ये समझना पड़ेगा कि ये इतनी बड़ी ब्रीच कैसे हुई, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। और अगर वो हुआ नामर्दगी, अबे किस टाइप की गांड क्या है, नामर्दगी क्या है, तुम्हारी कांड में तुम्हारी दमना अंदर गूदा है तुम में, अबे वॉर जोन होती तो बात अलग थी बे, तुम बहुत बड़ी बात करते हो, कौन सा इस्लाम है बे, और कौन सी जिहाद के नाम पे तुम निहत्ते मासूम लोगों को मार रहे हो, कोई वॉर जोन नहीं है। और ये सेफ रूट माना जाता है, जहां पे ये हुआ है सेफ रूट हुआ है, क्या ब्रीच हुई है, कहां पर हुआ है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट डिफरेंट, बट कैसे इतनी बड़ी 76th बटालियन जो है, 76वीं बटालियन की गाड़ी से ठोका, उसके बाद चीतड़े उड़ गए, बहुत सारे सवाल, बहुत सारा गुस्सा, बट वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। कंसर्न ये है दोस्त, एक हिंदुस्तानी के तौर पर एक बात बताइए, सेफ रूट है वहां पर, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो आईडी कैसे प्लेस की गई है, पहली बात ये है। दूसरी चीज ये है कि 350 या 400 किलो का जो एक्सप्लोसिव है वो आया कैसे, और तीसरा, अबे गद्दार तो है ये टेररिस्ट, ये साले बड़ुए हैं, सबसे बड़ी चीज इनके चाचा के लौंडे हरामी है कौन इस देश में, जिनने कॉन्वॉय निकलने की इंफॉर्मेशन दी, समझ में आता है तुम्हें, तो क्या है ये, जब वहां से 2005 जबकि सेफ रूट है ये, जम्मू से जब गाड़ियां निकलती है, पहली बात इतना लंबा कॉन्वॉय है इसकी, ठीक है इंफॉर्मेशन पास हुई है, वो बैठ के ताक में बैठे हुए थे कहां पे फेलियर हो रहा है, और सेफ रूट में कैसे इतनी बड़ी चूक हुई है। एक तरफ ये बात करते हैं भूखे नंगे, हमको इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, एक बात बताओ, इन भूखे नंगे लोगों के पास इतना बड़ा 350 किलो एक्सप्लोसिव खरीदने का कहां से पैसा आ गया, इन भूखे नंगे लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा है, कहां से किस लेवल पे ये ट्रेस करना पड़ेगा, कब तक हम लोग, एक बार बताइए, जितने लोग बैठ के सुन रहे हैं अपने आप में एक बात सोचना दोस्त, मैं लिंक डालूंगा यहां पर, क्योंकि मैं शायद मुझे लगता है कि मैं वो फोटोज तक आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं, उनकी माओ को, उनकी बहनों को, तुम्हें पता है उनकी बेटियों को, उनकी बीबियों को लाशें नहीं है यार, चीथड़े है इतने तरह से, क्या दोगे उनके घर वालों को, उनके घर वालों को मिलेगा क्या, ये सोचा है, सबसे बड़ी चीज इसका जिम्मेदार मैं बोलता हूं बॉस, अब बहुत, अब पॉलिटिकल पार्टीज वाले एक अलग कंसर्न है, इस पे भी राजनीति मत करना बे, इस पे भी राजनीति मत करना, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, एक इससे बड़ा कंसर्न ये है, डिबेट चालू हो जाएंगे उस पे मार साले सब आके ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन क्या है आप, और सबसे बड़ी चीज अभी एक बात बताओ,
मरने वाले कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, बीजेपी को करते थे, समाजवादी को करते थे, आम आदमी पार्टी को करते थे, किसको करते थे? उनने कौन सा गलत काम किया? उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है भारत की सुरक्षा करने की, वो निभा रहे हैं। बताओ, 3 दिन से रास्ते बर्फ थी, वहां से हिल नहीं पा रहा था आदमी। सबसे बड़ा ये सवाल है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन माओ ने, जिन बहनों ने अपने बच्चों को भेजा है फौज में, सीआरपीएफ में भेजा है, आज वो सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स है। आपको पता है उनका प्रोटेक्शन के क्या बे, और जिम्मेदारी लेगा कौन? सॉल्यूशन, सुझाव, या जो भी आप समझ लो एक हिंदुस्तानी के तौर पर, यार ये बताइए मुझे, हर लेवल के मिनिस्टर के पास, इट्स अ बिगर क्वेश्चन, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस और बीजेपी और एनी अदर पार्टी इन पावर और इन ऑपोजिशन, लेट्स टॉक अबाउट सम सेंस, सच्चाई क्या है? क्यों वर्ल्ड वाइड आपको पता कॉन्वॉय जब मूव करते हैं उनको एयर सपोर्ट दिया जाता है, यहाँ पे एयर सपोर्ट क्यों नहीं दिया जा सकता? सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, कब तक मरवाते रहेंगे? और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, बोलेंगे हमारी सरकार ने, या किसी की भी बात करें, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे ये हो, एक बात बताए ना, सरकार से ऊपर आओ दोस्त, कोई भी हो चाहे, निंदा निंदा निंदा, अबे डंडा कब निकलेगा? फिर आप निंदा ही करते रहेंगे क्या? अगर मैं एक भाई के तौर पर बात करूं, मेरा भाई मरा है, मेरे जानने वाले मरा है ना, मेरे साथ का कोई मरा है, मेरे जानने वाला, या मैं अगर एक हिंदुस्तान, मेरा मान लो मेरा एक मेरे परिवार का कोई गया है, आप दोगे मेरे घर का भाई? मेरा बेटा दे सकते हो आप? मेरा भाई दे सकते हो? मेरा पति दे सकते हो? दोगे आप? आप 3-5-10 लाख रुपए में आप शहादत खरीदते हैं इस देश में? आप ये कहेंगे कि हमने इतना इनको हरजाना दे दिया? अबे जिसका बेटा गया उसका घंटा हरजाना देगा तू, या कोई भी होगा? प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन इसका, क्यों एयर कवर नहीं दिया जा सकता? And that bloody has to be given. Yeah, they deserve that. Air cover होना चाहिए. Why 2 choppers can not bloody watch everything? पहली बात air cover. दूसरी बात ये बताओ आप, जो IDs यहाँ हो रही हैं, why not anti-mines? Why not anti-ITs can be used on the tracks? क्यों पायलट आगे 4 गाड़ियां नहीं जा सकती हैं? अगर मोबाइल से मान लीजिए मोबाइल ट्रिगर से यूज हुआ है, why can't be there bloody jammer? मंत्री जी जाएंगे तो उनकी गाड़ी के आगे जैमर लगेगा, पीछे लगेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट मिनिस्टर और द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, आई रिस्पेक्ट, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हमारे घर डेमोक्रेसी से देश चलता, मैं उनकी बात नहीं करूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्यों सब पार्टीज मिलकर एक सोल्यूशन नहीं निकाल सकती है? आपको बुरा नहीं लगा साहब? अपने आप से भी कभी पूछेगा? लड़के के बदले लड़के, ठीक है, एक नियम बना दो ना, एक शहीद हो तो जो उस विभाग का इंचार्ज था उसका लौंडा भेजो फौज में, तब समझ में आएगा आपको। जिसके घर में शहादत होती है ना साहब, जब लहू आता है हाथ में, वो आप नहीं समझ पाएंगे। लोग कहते हैं आप गुस्सा करते हो, अरे मैं तो अभी इनकी मई भरा हूं ना, मैं जुबान नहीं दी होती ना तो मैं तो मुंह से ही काफी था बे। और दूसरी बात, भगवती की सौगंध भोलेनाथ की आज जिनने करवाया, अगर मेरे सामने और मैं कहीं अगर ऊपर वाले ने चाहा, मैं इसके लिए कानून भी हाथ में लेने तैयार हूं। अगर जिनने करवाए मुझे अगर पता चले और मेरी इतनी कुबत हुई ना, अगर मैं बोलो बीच में हाथ डाल दू, चीरने की औकात रखता हूं बे। और जेल के लिए भी इतना तैयार हूं, अगर मैं एक आतंकवादी को मार के जाऊंगा, मेरे मुझे लगता है मेरी माँ को उससे बड़ा कोई अभिमान नहीं होगा। लेकिन दोस्त अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूं, मैं कहां हूं पता नहीं, बहुत सारी चीजें। मेरा मैटर क्या है, व्हाट इज द ब्लडी सॉल्यूशन ऑफ दिस? एक और बड़े सवाल पे आ जाए, कहां गए वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले? कहां गई गैंग? कहां गए वो ह्यूमन राइट्स वाले? अब नहीं तुमको बुरा लग रहा है, टेररिस्ट मरता है तो अभी तक आंदोलन चालू हो जाते तुम्हारे, है ना? अब कहां गए बे, छुप गए होगे घुसंड में? हां क्या हुआ अब ह्यूमन राइट्स? मत सोल्जर का कौन सा राइट है, मतलब हम इंतजार किस बात का कर रहे हो आप? हां क्योंकि सेलिब्रिटी नहीं मरा अभी तक तुम्हारा, कोई अभी तक तुम्हारा कोई नेता नहीं मरा ना बड़ा वाला, इसलिए। और मरता भी है नेता तो क्या कहेंगे वो इस पार्टी का था? अबे यार समझ में नहीं आता, एक बार तो हर चीज में पॉलिटिकल, एक सबसे बड़ी कंसर्न ये है, एक बार मर्दानगी दिखाओ बे, एक बार अंदर से अगर थोड़ा सा भी गूदा है ना, इकट्ठे होके दिखाओ। ये जो है ना जो चल रहा है तुम लोग का, यहाँ बस बुराई करेंगे इसका अभी आप खामियां निकालने शुरू हो, खामियां ठीक है सबको पता है क्या क्या खामियां हुई है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पे बात करिए उसकी है दम, 24 से 48 घंटे रुक जाओ जरा, फिर देखना सब चैनल पे आएंगे वो, इसकी बात करेंगे। शहीदों का क्या बॉस, मैं बोलता हूँ इस पूरे देश को इस बार सीधे बायकॉट कर देना चाहिए अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो। एक मिनट, सर्जिकल स्ट्राइक, अरे शेड्यूल बनाना, रोज सुबह जाओ रोज ठोको, आप नामर्दगी फौज की दिखा रहे हो यार, इसका मतलब ये है
हिंदुस्तानी फौज को पॉलिटिकल विल की जरूरत है। आप पॉलिटिकल विल पूरी सभी पार्टीज, व्हाई कैन नॉट वी क्रिएट अ ब्लडी नो टॉलरेंस पॉलिसी। हम लोग एक सीधा आप पारित कीजिए। आप किस प्रक्रिया से करते हैं मुझे पता नहीं। इस देश में तो यार तो जो है ना सुप्रीम कोर्ट खुल जाता कई टेररिस्टों के लिए रात को। जब सुप्रीम कोर्ट से ये ऐसे कुछ लॉयर होंगे जो टेररिस्ट की फांसी रुकवाना होगा तो सीधे रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं। आ जाओ, बहुत सारे लॉयर मिलेंगे ना इस देश में। कहां गए वो लॉयर अब सब? आओ इकट्ठे जरा इनके ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ो, तब मानूंगा कि तुम। अबे असल बाप की औलाद हो ना, सबको चैलेंज देता हूं, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो इस मैटर पे इकट्ठा हो और इस मैटर के लिए इन शहीदों की शहादतों का जवाब देने के लिए ना एक बार हो जाओ सब पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठे। और अगर नहीं हो ना तो इसका मतलब सबको समझ में आता है कि आप लोग सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकेंगे। अगर आप वतन के शहीदों का जवाब नहीं दे सकते, आपको चुने के आने का कोई हक नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। एक और ना दहशत से चलता ये सब है ना, वो साले हमारे दिलों में, हमारी फोर्सेस के दिलों में डर पैदा कर रहे हैं। हमारे अगर आप बैकफुट पे आने बोलते हो, एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन बताओ हिंदुस्तानी के तौर पर। सबसे पहले इन सालों के हरामी इन्फॉर्मर्स को उठाओ, इनको कांड पे गोली मारो, सालों को इकट्ठा करो। अबे एक रावण जलाने से इस देश में कुछ नहीं होगा, इकट्ठा करो सालों को, सबको खड़ा करके इनकी कांड पे गोली पब्लिक में मारो सालों की। लोग कहते ना अबे मैंने बहुत कंट्रोल किया इसलिए मैम, बहुत कंट्रोल करके, लेकिन सच्चाई है दोस्त, बहुत हमने देखा हिंदुस्तान में ना बहुत बड़े बड़े डॉन बनते हैं, नए नए लौंडे नॉर्थ में गोलियां चलाएंगे हवा में। अबे तुमको डॉन बनना है ना, अबे हम तो बोलते तुम इनमें से किसी को मारो ना, मैं लड़वा लूंगा तेरा केस। ऐसे किसी को ठोको साले हरामियों को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये साले ना कभी हिंदुस्तान के सगे थे जो इस टाइप का हमला करवाने में मदद करते, और ना ये कभी हिंदुस्तान के सगे होंगे। इस चीज का साला कोई सोल्यूशन नहीं है। इन्फॉर्मर्स को उठाओ, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, जहां ये हमला हुआ है ना उसी जगह खड़ा करके इनको, वही अनंतपुर में वही खड़ा करके पुलवामा में सालों की कान में गोली मारो, तब तक जलाओ सालों की जब तक एक नस ना बचे। ओए आदिल अहमद तूने जिम्मेदारी, जैसे मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली ना, तू काकापुरा का क्यों बे टुच्चे, तू काकापुरा का गुंडा था ना बे, तू साउथ श्रीनगर वाला तू वही है ना, तू बहुत बड़ा गुंडा बनता है बे, क्यों बे तेरे कौन से, तू जैसे मोहम्मद तूने 17-18 में ज्वाइन किया है तूने, तेरे को बहुत बड़ा लगता है सुन बे, बाकी सबकी छोड़ मास्टरमाइंड्स की सुन बे, तेरा वो चिंदी चोर हाफिज सईद और मौलाना अजहर मसूद तुम्हें करवा रहे हो बे, बैठे तुम्हारे आका, और तू सुन बे काकापुरा का तू बॉस, साउथ श्रीनगर का तू गुंडा, तू साले जैसे मोहम्मद का बॉस बन गए, तूने करवाया जिम्मेदारी ले रहे ना, बाकी सबकी छोड़ दे, अब तेरी जहां जितनी कुवत है जहां छुप सकता ना सबसे पहले तू ठोकेगा। मैं अपनी हिंदुस्तानी फौज को बहुत अच्छे से जानता हूं। अब यह सवाल सुनो, यहां एक सवाल हो गया है क्रेडिबिलिटी पर। भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सबके ऊपर, अब ये बात ईगो की नहीं, अब आत्मसम्मान की बात आ गई है। मैं जब तुम लोगों से बात कर रहा हूँ ना, कम से कम मेरे पर्सनल नंबर पे जो बड़ी मुश्किल से मिल सकता है, भली बात है बहुत कम मैं यूज करता हूँ उस पे, अभी के कम से कम 300-400 मैसेज है जो लोग दीपा के, बाकी है यहाँ पर वो पुनीत करके लड़का है, संजीव है, ऋचा है, इन सबके पास मैसेज, उसमें से कोई भी एक मैसेज, ये मैसेज है रिस्पेक्टेड शिफुजी सर आप सेना में रहे इतना बड़ा, सुनिए सबसे पहली चीज, आई हैव नेवर बीन इन द आर्मी, मैं सेना में नहीं रहा हूं, मैं समर्थक रहा हूं और मैं हमेशा रहूंगा, बगैर वर्दी के अलावा जो मेरी औकात है वो करता रहूंगा। सुनो उसने लिखा है कि इतना बड़ा कारनामा बिना किसी सपोर्ट के हमारे देश में नहीं हो सकता है, इस देश के युवा की आपसे यही मांगे कि हमारी आवाज आप ही बन सकते हैं, इसकी जांच हुए कितनी मात्रा में विस्फोटक कैसे आया, इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई है, ये आप जानते हैं कौन कौन किस तरीके में, आप आर्मी में रहे, नहीं मैं आर्मी में नहीं रहा हूँ, समझ फिर से बोल रहा हूँ, अच्छी किस किस तरीके से इंफॉर्मेशन दे जा सकती है और क्या कर सकता है, इस चीज को जांच हुए पूरा देश को ये करना है, पूरे देश में गुस्सा का माहौल है, हमारी गवर्नमेंट और आप जैसे कुछ लोग, मैं कुछ नहीं यार, बट हमें यह बात रखना चाहिए, अगर मैं आवाज हूँ मैं हक से ये आवाज रखूंगा। ऐसे हजारों बच्चे, पता है तुमको आज ना बात सब भूल जाओगे, एक बार मर्द बनने का मौका मिला है, जो थोड़ा साली चूड़ियां नामर्द की, पूरे देश की हर पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा एजेंडा लाओ मिलके, बस अगर तुम में एक भी अपने बाप का खून है ना, एक बार लाने की, जिस देश में अगर तुम पैदा हुए और उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, ये पॉलिटिशियंस के लिए बोल रहा हूं मैं सबके लिए, जिस देश में अगर तुम पैदा हुए और उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, तो ना माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुमने रक्त नहीं, प्रूफ
करने की बात आई है दोस्त, घुसो मारो इनके इनफॉर्मर्स, उठाओ जब तक इनके दिल में दहशत नहीं होगी, साले कुछ नहीं सुधरने वाला, उठाओ पब्लिक में खड़ा करो, मारो सालों को गोली, तभी समझ में आएगा। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।